अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद है और टेस्ट के बारे में सुनना पसंद है। तो आज टेस्ट की काफी टाइम बाद शुरुआत हुई है। जी हाँ, काफी T20 के बाद आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहला टेस्ट मैच आज हमें देखने को मिला जिसका डे वन अभी अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है। तो डे वन के बाद अगर हम कह सकते हैं तो बिल्कुल श्रीलंका कमांडिंग पोजिशन पे है। क्या कहना चाहेंगे आयन आप? आखिर कमांडिंग पोजिशन में श्रीलंका तो है, लेकिन वेस्ट इंडीज इतनी ज्यादा डल परफॉर्मेंस, आज सिर्फ 3 विकेट निकाल पाई 88 ओवर्स में। 3 सबसे बड़ी रीजंस अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या हो सकते हैं कि वेस्ट इंडीज आज इतना ज्यादा पिछड़ गया मैच में, जबकि पहले सेशन में उन्होंने चीजें शायद टाइट रखी थी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला रीजन यही है कि स्पिनर्स का बहुत ज्यादा लैकिंग परफॉर्मेंस, अगर मैं कहूं बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस नजर नहीं आया। चाहे कॉनवेल हो, चाहे वेरिकेन हो, चाहे रॉस्टन चेज हो, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी वजह, कुछ अलग भी ट्राई नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब जो एक स्पिन है वही कराए जा रहे थे, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे थे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल सही। आप जब देखिए वरिकेन को, मैं थोड़ी सी यहाँ बताऊं, वरिकेन जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो ग्रिप से बॉल नहीं डाल रहे थे। अगर वो कोशिश करते, अगर ग्रिप से डालने की कोशिश करते तो शायद उनको हल्का टर्न भी मिलता, लेकिन वो सब यहाँ थे था क्यों, यहाँ पे कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये सब जो एक एग्जीक्यूशन बॉलर की तरफ से होता है वो यहाँ नजर नहीं आया किसी की तरफ से भी नहीं। सिर्फ विकेट से जितनी हेल्प मिल रही थी बस उतना ही वेस्ट इंडीज के स्पिनर ले रहे हैं। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ी वजह, बिल्कुल देखिए दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ ये है कि आपका जो गैब्रियल को जो लगाना था, जी हाँ, जो गैब्रियल को मैं कहूंगा जो आपकी स्ट्राइक बॉलर है, आपको इसको ठीक करना होगा। हर टीम के स्ट्राइक बॉलर को हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा ओवर डालते हैं, लेकिन यहाँ गैब्रियल जो थे पहले सेशन में सिर्फ 4 ओवर, दूसरे सेशन में सिर्फ 3 ओवर और तीसरे सेशन में सिर्फ 5 से 6 ओवर उन्होंने डाले हैं। तो ये कंसिस्टेंसी तो थी ही नहीं उनके ओवर्स में, वो थक जा रहे हैं बिल्कुल ही, उसका जिम्मा होल्डर में आ जा रहा है। Yeah. तो ये होल्डर पे प्रेशर बन रहा था, तो स्ट्राइक बॉलर होके अगर गैब्रियल इस तरीके से कराएंगे तो बिल्कुल हश्र यही होना है, क्योंकि स्ट्राइक में तो आपको स्ट्राइक बॉलर ही करा देता है शुरू में झटके। और नई बॉल के साथ भी 8 ओवर निकाले वेस्ट इंडीज ने, लेकिन उसमें भी सिर्फ 1 ओवर गैब्रियल ने कराया, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो फिटनेस से इतने ज्यादा जूझ चुके थे, शायद उनकी बॉडी इनका जवाब दे रही थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस ही उनकी इतनी खराब है कि इतने कम ओवर के बावजूद भी आप इस तरह से, जबकि आप एक स्ट्राइक बॉलर हैं। और तीसरी वजह कहीं ना कहीं बहुत ही कैसे क्या कह सकते हैं, पुअर बॉडी लैंग्वेज, वाइल फील्डिंग, वाइल कैप्टनसी, वाइल पूरी तरह से वेस्ट इंडीज की आज रही है। पहले सेशन से ही बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डल नजर आया, फील्डिंग्स भी बहुत पुअर हुई है, इजीली आपने रन दिए। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको विकेट ना मिले तो आप रन रोकिए, तो उससे आप एक प्रेशर बना सकते हैं प्लेयर्स पे, वो भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी 3 रीजंस थे कि वेस्ट इंडीज आज डे वन में कहीं ना कहीं इस मैच में पिछड़ा, सिर्फ 3 विकेट निकाले यहाँ पर। वही पर श्रीलंका की अगर बात करें, शानदार डे उनके लिए रहा है। जी हाँ, सिर्फ 3 विकेट उन्होंने खोए हैं और वहां पर आप अगर कहें तो 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी वहां पर के बैट्समैन से निकली है। वहां मैं पूछना चाहूंगा सिर्फ 2 बड़ी वजह कि श्रीलंका आज इतना कमांडिंग पोजीशन पे, आज अपने भले घर हो लेकिन पोजीशन पे शानदार है, आखिर कैसे? दो बड़ी वजह देखिए, बिल्कुल यहाँ बहुत पहली वजह यह है कि प्लेयरों ने बहुत ही अच्छा पेशेंस दिखाया है। चाहे प्रथम निशंका की बात करें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पे थी, लहरू थ्रीमारे थे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, ओपनिंग कराया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त। सबसे पहले तो पेशेंस यहाँ पे, पहले सेशन में 61 रन आए थे, कम रन आए, उसके बाद बढ़ता चला गया सेशन टू सेशन रन, तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट का एक सबसे बड़ा रूल है बैटिंग करते वक्त कि आपको पहले टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद रन्स कलेक्ट करने हैं। अगर आप शुरू से ही रन्स कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो फिर विकेट आपके लगातार गिरते रहेंगे, जो श्रीलंका ने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को उन्होंने हर टाइम उनका टेस्ट लिया, हर टाइम उन्हें टेस्ट पे फेल हुए हैं उनके सामने, लेकिन बहुत जबरदस्त यहाँ पे बैटिंग हुई है। चाहे आप निशंका की बात करें, करुणारत्न की बात करें और धनंजय डिसूजा की बात करें, हॉरिबल बैटिंग हुई है एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, बहुत ही खराब एक इतने बड़े प्लेयर की तरफ से इस तरीके का शॉट, बहुत ही घटिया शॉट था उनका उस तरीके पे आउट होना। बिल्कुल, क्योंकि इस जिस तरह की मैचेस चल रहे थे, जिस तरह की सामने बॉडी लैंग्वेज थी वेस्ट इंडीज, जिस तरह की बॉलिंग अप्रोच था वेस्ट इंडीज का, उसके सामने आपको इस तरह से विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मौका यहाँ पर गंवा दिया है। क्योंकि आप अपने जो मैट्स हैं, साथी हैं, उनसे उनको देखिए आप, कुछ इतने यंग हैं आप, कहां पे एक्सपीरियंस है, और आपने इतना अच्छा मौका गवाया। पतु निशंका की बात कर ले, धनंजय डिसिल्वा की बात कर ले,
डिसिल्वा के अप्रोच के बारे में कहूंगा, श्रीलंका अगर कमांडिंग पोजीशन पे है आज तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट कहीं ना कहीं धर्मेंद्र पटेल को जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज खेले हैं और उन्होंने आते ही छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए, छक्के तो नहीं चौके लगाने शुरू कर दिए और बॉलर्स को कहीं ना कहीं और टायर्ड कर दिया और मजबूर कर दिया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अब और ज्यादा डल होने वाली है क्योंकि हम कमांडिंग पोजीशन पे आते हैं, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सिंगल डबल निकाला और सबसे बड़ी बात आप समझ जाएंगे सब लोग, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने वेस्ट इंडीज का बॉडी लैंग्वेज का, फिटनेस का बखूबी फायदा उठाया है धनंजय डी सिल्वा ने, तो बिल्कुल बिल्कुल खराब फिटनेस रही है वेस्ट इंडीज की और बॉडी लैंग्वेज उसका पूरा फायदा धनंजय डी सिल्वा ने डबल और ट्रिपल रन निकाल के भी निकाला है। जी हाँ, 13वीं टेस्ट सेंचुरी दिमुत कर्णांतर के बैट से आज निकली है, काफी शानदार बैटिंग ये कर रहे हैं और बेहतरीन इनकी बैटिंग रही है अभी तक। पथुन मिश्रा का शानदार हाफ सेंचुरी मारा उन्होंने, धनंजय डिसिल्वा ने भी हाफ सेंचुरी मारा, अब यहाँ पर देखना होगा कि डे टू में क्या वेस्ट इंडीज वापसी कर पाता या फिर और कमांडिंग पोजिशन पे आप कह सकते हैं कि, क्योंकि अगर श्रीलंका यहाँ पे ऑल आउट नहीं होता है तो डेफिनेटली श्रीलंका इस मैच में कल ही पकड़ बनाता हुआ नजर आएगा। एट द एंड कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बैटिंग रही है श्रीलंका की, 267 फॉर 3, 133 पे नॉट आउट है, बहुत जबरदस्त श्रीलंका इस टाइम खेल रही है। जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा श्रीलंका कितना चाहेगी स्कोर और वेस्ट इंडीज कितना चाहेगी कि हम रोक दें? बिल्कुल, वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से अब तक उन्हें रोक देना चाहिए था क्योंकि उन्हें चौथी बैटिंग करनी है, उनको ध्यान में रखना है। लेकिन श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो 450 अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो एक सेफ सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, यानी 80% उनके पास मैच ऑलरेडी वो होगा। इन केस वेस्ट इंडीज अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट अपने तरफ से लेके आते हैं जो कि बॉलिंग से बिल्कुल नजर नहीं है। फिलहाल डेली क्रिकेट चैनल के साथ हमें आप ट्विटर पर फॉलो जरूर करिए, वहां पर हम इस मैच के अंदर सारी लाइव स्कोर अपडेट सब वहां पर लगातार प्रोवाइड कराई, जो फॉलो करते उनको सब लगातार मिल रहा था। अगर आपने वो मिस किया तो प्लीज ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।